हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रसोई रंगा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। ये है टमाटर का खट्टा चटनी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में इसे बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने 4 टमाटर ले लिए हैं। ये टमाटर पके हुए होने चाहिए और इसमें हमने हरी मिर्च ले ली है और लहसुन ले लिया है। इसमें हमने 3 लगभग हरी मिर्च ली है और इसे हम आग पर पका लेते हैं। तो इस प्रकार का मेरा टमाटर पकाने का एक जाली है, उसी पर रखकर हम टमाटर पका रहे हैं और इसमें हरी मिर्ची भी हमने उसी के टमाटर के बगल डाल दी है और हमने लहसुन भी इसी के ऊपर रख दिया है ताकि लहसुन भी हल्का सा भुन जाए और हमारी हरी मिर्ची भी भुन जाए। इसका सोंधापन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे कटिंग करके लहसुन और मिर्ची डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम उलट पलट कर इसे टमाटर को अच्छी तरह से पका लेंगे और साथ में हरी मिर्च भी हमारी पक रही है और उधर लहसुन भी पक रहा है, तो एक साथ ही हम सभी को पका लेंगे। लेकिन हरी मिर्ची को हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि हरी मिर्ची और लहसुन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और टमाटर को कुछ देर हम पकाएंगे। और तो देखिए, हमने हरी मिर्ची और लहसुन को पका कर छील लिया है और उसको हम अच्छी तरीके से खल में कूट लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से कूट कर तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा बहुत ही आसानी से, हम चाहते तो मिक्सी में भी कर सकते थे लेकिन मिक्सी में वो स्वाद नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने इसमें मिक्सी का यूज़ बिल्कुल ही नहीं किया है। और इधर हमारा टमाटर पक रहा है, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये पक गया है। आपके पास इस तरह का नहीं अगर नेट है तो आप डायरेक्ट गैस पर भी रखकर पका सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक चुका, अभी ये गर्म है। हम इसका छिलका धीरे धीरे उतार लेंगे। तो देखिए, हमने टमाटर का सारा छिलका उतार लिया है। अब इसको हम मैसर की सहायता से हल्का हल्का दबा देंगे क्योंकि ये अभी गर्म है, डायरेक्ट हाथ इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो मैसर की सहायता से इसको दबा दिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे आसानी से हाथ से इसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर और इसका चटनी बना लेंगे। और इसमें जो कड़ा भाग रह जाएगा उसे हमें निकाल कर हटा देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम टमाटर को हाथ से मसल कर और इसकी चटनी बना लेंगे। तो देखिए, जो कड़ा भाग है उसको हम निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से अच्छे दबा दबा कर हम इसको निकाल देंगे। तो हम वो जितना कड़ा भाग था वो निकाल चुके हैं और इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च जो हमने कूट कर रखा था उसे हम डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ी सी तेल भी ऐड करेंगे, कच्चा तेल है ये सरसों का, तो वो तेल ऐड कर दिए। अब हम एक तवा चढ़ाएंगे और उस पर जीरा को हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, तवा पर हम जीरा को भून ले रहे हैं, तो इसे बहुत ही हल्के आंच पर, हमें इसे जीरा को जलाना नहीं है, इसे बहुत ही हल्के आंच में हमें इसे भून लेना है। और इस तरीके से इसको भी हम खल में अच्छी तरीके से इसको भूख लेंगे। तो देखिए, हमने इसे कूट लिया है और इसको भी इस चटनी में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से अगर आप चटनी बनाइएगा तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें जो सोंधापन है वो और कोई चटनी में आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप भी इस चटनी को बनाइए,
तो देखिए हम इसे एक कटोरी में निकाल लिए हैं। तो अगर दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। बाय दोस्तों।